प्यारे छात्रों, आप सभी का कुमार क्लासेज वाराणसी के YouTube चैनल पर स्वागत है। छात्रों, आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से 50 दिनों में संपूर्ण इलेक्ट्रिकल एवं कंप्यूटर की सिलेबस UPSC LT UT की तैयारी कर रहे हैं और हमने 50 दिनों में आपको वादा किया है कि आपकी संपूर्ण सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा होमवर्क सीरीज के माध्यम से। और उसी क्रम में 11 टॉपिक हम लोग होमवर्क सीरीज के माध्यम से कंप्लीट कर चुके हैं। उसका PDF भी अगले दिन उपलब्ध कराया जाता है और आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी करते हैं। अब इसी कड़ी में 2 दिन हम लोग का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस नहीं हुआ। उसका मुख्य कारण था, मैं आपको बताया था कि एक वेबसाइट पर काम चल रही थी, उसमें मैं थोड़ा व्यस्त था। अब फिर से कल से वो हमारा टारगेट सीरीज शुरू होगा और उसके साथ साथ नए छात्र जो जुड़े हैं, जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, उनके पास कोई नोट्स नहीं था, उनको ध्यान में रखते हुए और हम लोग कंसेप्ट क्लासेज भी लेके आएंगे और कंसेप्ट क्लासेज के PDF भी वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। नोट्स आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारा वेबसाइट है, नोट कर लीजिए। www.kumarclassesvns.com। ये वेबसाइट मंडे से प्रॉपर काम करेगी, अभी थोड़ा सा उस पर काम बाकी है, चल रहा है, लेकिन इसको आप नोट कर लेंगे। क्या नोट करेंगे? www.kumarclassesvns.com। और इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा, जहाँ तक कोशिश होगी आपको कोई परेशानी ना हो। आप देखिए, यहाँ पर आपके लिए कंसेप्ट क्लासेस भी उपलब्ध है हमारे चैनल पर, PDF भी उपलब्ध है उसके नोट्स का, और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट के PDF कंप्यूटर प्लस इलेक्ट्रिकल दोनों के उपलब्ध हैं और वीडियो के माध्यम से उसका सोल्यूशन भी उपलब्ध है। तो एक बेहतर आपकी तैयारी 50 दिनों में हो जाएगी। ज़रूरत है आपको मेहनत करने की और लगे रहने की, और आप कर रहे हैं मेहनत, लगे रहिए, ये सफलता मिलेगी। तो इसी कड़ी में आज पहला जो हम कॉन्सेप्ट क्लास लेकर आए हैं, पीछे भी एक आध वीडियो मैं डाला हूँ, लेकिन आज से एक प्रॉपर ये चलेगा। बीच बीच में जो पीछे चैप्टर हम लोग होमवर्क के रूप में कर चुके हैं उसको भी हम लोग बीच में वीडियो डाल देंगे, जो आप देख लीजिएगा। अब कल हमारा एसी थ्योरी का ऑब्जेक्टिव सेशन आएगा, फिर कल होमवर्क भी दे दिया जाएगा नेक्स्ट डे के लिए, और आज इसी क्रम में आपको एसी थ्योरी का कंसेप्ट वीडियो मैं लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। और एसी थ्योरी इसलिए लेकर आया हूँ कि बहुत सारे छात्र को लगता है कि एसी थ्योरी बहुत कठिन चैप्टर है, उनको समझ में नहीं आता है, तो मैं आज आपको बहुत सरल भाषा में एसी थ्योरी पढ़ाऊँगा और आपको समझ में भी आएगा और याद भी हो जाएगा, सीधे दिमाग में उतर जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखिए, सबसे पहले उठता है सवाल कि एसी थ्योरी मतलब क्या? एसी मतलब थ्योरी, इसको बोलते हैं। तो एसी मतलब, ए मतलब अल्टरनेटिंग, सी मतलब करंट, और थ्योरी मतलब सिद्धांत, यानी अल्टरनेटिंग करंट सिद्धांत। अगर हिंदी में इसको बोले तो अल्टरनेटिंग को बोलते हैं प्रत्यावर्ती, और करंट को क्या बोलते हैं? धारा, विद्युत धारा, और थ्योरी मतलब सिद्धांत, यानी प्रत्यावर्ती धारा का सिद्धांत। तो क्या हुआ, एसी थ्योरी का हम अगर सरल भाषा में ये जाने कि शुद्ध हिंदी क्या होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा
का सिद्धांत, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रतिवर्ती धारा। तो सबसे पहले जानने की जरूरत है कि प्रतिवर्ती धारा क्या है या प्रतिवर्ती धारा किसे कहते हैं। तो प्रतिवर्ती धारा वह विद्युत धारा जिसका मान, मान मतलब इंग्लिश में एम्पलीट्यूड और डायरेक्शन अर्थात दिशा, क्या हो समय के साथ बदलता रहता है, उसे क्या कहते हैं हम प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। तो क्या होगा प्रतिवर्ती धारा की परिभाषा, ऐसी विद्युत धारा जिसका मान तथा दिशा समय के साथ बदलता रहे वह क्या कहलाएगी, प्रतिवर्ती विद्युत धारा कहलाएगी, उसे प्रतिवर्ती विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब प्रतिवर्ती विद्युत धारा जो है वो क्या होगा, हर क्षण बदलेगा। अर्थात हम ये कहें कि कोई और हम ग्राफ बनाते हैं इसका समय ग्राफ पर, तो क्या होगा, ये जीरो रेफरेंस मानते हैं तो ये जीरो से शुरू होगा और आगे बढ़ेगा और फिर माइनस में जाएगा और नीचे जाएगा, कुछ ये सर्किल बनेगा। अर्थात हो गया रहा है कि धारा का मान हमेशा बदल रहा है। देखिए यहाँ जीरो से शुरू हुआ, फिर बढ़ते बढ़ते कहाँ गया, यहाँ 90 पर गया, फिर क्या हुआ, फिर वापस आया, इसको क्या बोल देंगे हम 180 आया, फिर क्या हुआ यहाँ 270 हुआ और यहाँ क्या हुआ 360 हुआ। अर्थात ये देखिए हमेशा मान इसका चेंज हो रहा है। तो ये जो चेंज होता है वो क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती धारा कहलाता है। अर्थात इसके मान में भी बदला और इसका दिशा भी बदला, कभी ऊपर गया कभी नीचे गया और मान भी इसका बदला। तो आप उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे प्रतिवर्ती धारा। जबकि डीसी में क्या होता है, डीसी में क्या होता है, डीसी का मान और दिशा नियत रहता है, समान रहता है। अर्थात अगर वो सीधा जा रहा है, डीसी कैसे चलता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। हम जानते हैं अगर क्वेश्चन आता है हमारे पास, हमसे पूछा जाता है कि विद्युत धारा की दिशा होती है किधर से किधर गमन करती है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव ओर गमन करती है। तो मान लीजिए एक सीधी रेखा अगर समय ग्राफ बनाते हैं तो क्या होगा, सीधे चल रही है और इसमें मान भी नियत है, तो ये इसका डायरेक्शन हो गया। जबकि एसी में पूछेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव आंसर नहीं होगा हमारा, क्या होगा, हर क्षण बदल रहा है, क्या हो रहा था, इस तरह हो रहा था, अर्थात उच्चतम से न्यूनतम और न्यूनतम से उच्चतम की ओर क्या हो रहा है, गमन कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे। आप देखिए इसी क्रम में आगे भी आपको जानने की जरूरत है इस फिगर को और इसमें कौन कौन से टर्म आते हैं, जब हम टर्म समझेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ से याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में निम्न में से कौन एसी से संबंधित सही है, यानी अल्टरनेटिंग करंट के संबंध में कौन सही है कौन गलत है, तो उसमें क्या आंसर होगा हमारा कि एसी में हमेशा क्या होगा, उसकी मान और दिशा बदलता रहता है समय के साथ, जबकि डीसी में क्या नियत होता है, डीसी गमन करता है पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, जबकि एसी गमन करता है पॉजिटिव एम्पलीट्यूड से निगेटिव एम्पलीट्यूड की ओर, यानी उच्चतम मान से न्यूनतम मान की ओर, न्यूनतम मान से उच्चतम मान की ओर। चलिए अब देखिए फिर से अब इसमें क्या होगा हमारा, दो चीज आ रही है, एक तो क्या होगा ये मैक्सिमम मान हो जाएगा और एक क्या होगा जहां आप मानेंगे हम तत्कालिक मान होगा, और एक क्या होगा एवरेज मान होगा, और एक क्या होगा आरएमएस मान होगा। तो इन पांचों टर्मों को समझेंगे और उससे पहले हम लोग आवृत्ति को समझते हैं। अब देखिए
हम ये कहते हैं इसको वन साइकिल, क्या बोलते हैं, वन साइकिल। यानी अगर ये कहा जाए कि एक साइकिल मतलब एक बार मैक्सिमम मान और एक बार न्यूनतम मान कंप्लीट जो करता है उसको हम बोलते हैं एक साइकिल, एक चक्र। तो एक चक्र अगर दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, चक्र एक सर्किल का काम करेगा और ये क्या कहलाएगा, हाफ साइकिल। यानी हाफ पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है और हाफ क्या है, निगेटिव एम्पलीट्यूड है, और इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं वन साइकिल। ठीक है, तो वन साइकिल में और एक सेकेंड में जितने साइकिल कंप्लीट करेगा वो इसकी कहलाती है आवृत्ति। ठीक है, क्या कहलाती है, एक सेकेंड में जितने साइकिल का निर्माण होगा, जितने चक्र पूरा करेगा ऐसी क्वांटिटीज वो उसकी आवृत्ति कहलाएगी। तो हमने आवृत्ति का परिभाषा लिखा है, आपको पढ़ लीजिए क्या लिखा है, कि एक समय में यानी एकांक समय में जितने साइकिल विद्युत क्वांटिटी द्वारा पूरा किया जाता है वह चक्र कहलाता है। और आपसे क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछेगा, क्वेश्चन यही पूछेगा कि जो हर्ट जो होता है किसका मात्रक होता है, तो आवृत्ति का होता है। लेकिन देखिए एग्जाम में आपको कभी कभी कंफ्यूज कर देगा, कंफ्यूज ये कर देगा कि आपको नहीं दिया जाएगा हर्ट एज मात्रक, तो तब क्या होगा, तो साइकिल पर सेकेंड भी क्या होता है, इसका मात्रक होता है। साइकिल पर सेकेंड भी क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं, किसका, आवृत्ति का। क्योंकि आवृत्ति का परिभाषा क्या था कि प्रति सेकेंड जितने चक्र पूरा करता है उतने क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपको कि एक चक्र में एक साइकिल में कितना मान होता है एसी का, तो हम स्वाभाविक जानते हैं कि एक सर्किल के समान है एक साइकिल, हाफ एम्पलीट्यूड प्लस में हाफ एम्पलीट्यूड माइनस में दोनों को करेंगे तो क्या होगा सर्किल, तो 360 डिग्री। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एक चक्र का मान कितना होता है, 360 डिग्री, आधा चक्र यानी हाफ साइकिल का मान कितना होता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, 180 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन और एक आपसे पूछा जाएगा कि भारत में आवृत्ति जो है उसका मान कितना रखा गया है, तो भारत में आवृत्ति का मान कितना रखे हैं हम लोग, 50 हर्ट्ज मान रखा गया है भारत में। आवृत्ति का मान कितना है, 50 हर्ट्ज। अगर क्वेश्चन पूछे कि डीसी की आवृत्ति कितनी होती है, तो डीसी की आवृत्ति क्या होती है, शून्य होती है। क्यों शून्य होती है भाई, इसलिए कि डीसी में कोई भी मान नहीं बदलता है, साइकिल नहीं पूरा होता है, तो डीसी में साइकिल पूरा नहीं होता है। जब साइकिल नहीं पूरा होगा तो स्वाभाविक है कोई मतलब मान नहीं होगा, तो शून्य होगा। तो क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछा जाए आपसे कि डीसी की आवृत्ति कितनी होती है, शून्य, एसी की आवृत्ति भारत में कितनी होती है, 50 हर्ट्ज, एसी का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज, और एक और मात्रक क्या होता है, साइकिल पर सेकेंड। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप ये समझ गए आवृत्ति क्या होगा, प्रति सेकेंड। अब देखिए टाइम पीरियड आवर्तकाल जिसको बोलते हैं, आवृत्ति को एफ से व्यक्त करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, आवृत्ति को किससे सूचित करेंगे, एफ से, और एफ इक्वल टू होता है क्या, 1/T। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना है। यहाँ से कई क्वेश्चन आपको डायरेक्टली न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा और इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, मैं बताता हूँ अभी कैसे इसको समझेंगे आप। तो होता क्या है कि आवर्तकाल क्या होता है, यानी एक सेकेंड में जितनी साइकिल, हमने आवृत्ति की परिभाषा क्या पढ़ा है, आवृत्ति की परिभाषा पढ़ा है कि प्रति सेकेंड जितना साइकिल बना, एक सेकेंड में जितना चक्र बना वो आवृत्ति कहलाएगा। लेकिन एक साइकिल बनने में जितना टाइम लगा वो क्या कहलाएगा, आवर्तकाल कहलाएगा। अर्थात क्या है, जस्ट इसका एंटी प्रोपोर्शनल है,
एक क्या कर रहा है कि एक सेकंड में कितना हुआ वो क्या कहलाया आवृत्ति, और एक साइकिल बनने में कितना समय लगा वो क्या कहलाया टाइम पीरियड। अर्थात ये याद रखिए ईएफ बराबर क्या होता है, 1/T। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा निम्न में से कौन सही है, चाहे ये पूछा जाएगा कि टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल फ्रीक्वेंसी का आवृत्ति का समानुपाती होता है, व्युत्क्रम अनुपाती होता है कि गुणज होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा व्युत्क्रम अनुपाती होता है। यह क्वेश्चन ने पूछे कि यदि आवर्तकाल का मान बढ़ जाए तो फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा, कम होगा। यह क्वेश्चन ने पूछा जाए आपसे, इसी से देखिए रिलेशन है, उल्टा है, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, और न्यूमेरिकल पूछा जाएगा आपसे। न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाएगा ये भी ध्यान रखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछेगा पहला कि यदि किसी ऐसी परिपथ में आवृत्ति का मान बढ़ा दिया जाए या दोगुना कर दिया जाए, जो भी क्वेश्चन आए तो क्या होगा। पहला क्वेश्चन आएगा कि आवृत्ति का मान बढ़ा दिया जाए तो आवर्तकाल का मान होगा तो क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा कि यदि आवर्तकाल का मान दोगुना कर दिया जाए तो आवृत्ति का मान क्या होगा, तो आधा हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। और न्यूमेरिकल भी कैसे आएगा अभी देख लीजिए, अब देखिए आपके सामने न्यूमेरिकल है, 200 हर्ट्ज आवृत्ति के लिए आवर्तकाल का मान होगा 200। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा जाएगा, दो सौ हर्ट आवृत्ति के लिए आवर्तकाल का मान क्या होगा। क्योंकि हम जानते हैं इक्वेशन क्या होता है, एफ प्रोपोर्शनल टू 1/T, मतलब एफ बराबर 1/T। अब हमको फ्रीक्वेंसी का मान मालूम है कितना, 200, और 200 इक्वल टू 1/T, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 1/200, यही ना होगा। 1/200 को हॉल करेंगे तो कितना आएगा आपका 0.005, और ये क्या होगा, टी हमेशा किस में होगा, सेकंड में होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड आंसर। समझ में आ गई होगी, चलिए आगे देखिए, आगे देखिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्वेश्चन है ये, किसी प्रतिवर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण 200 साइन 628 है तो ईएमएफ की आवृत्ति क्या है, तो यहां भी आवृत्ति पूछा गया है, ठीक है। और चलिए इसको थोड़ा देर बताते हैं, आगे कुछ टर्म हो जाए, अभी समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहां पर अब आपको फिर से देखिए ये फिगर,
टर्म आया हमारा पीक वैल्यू या शिखर मान या मैक्सिमम वैल्यू, क्या कहे हैं हम लोग? पीक वैल्यू, इसी को शिखर मान भी बोलते हैं, इसी को मैक्सिमम वैल्यू भी बोलते हैं। तो समझिए एसी में दो क्वांटिटी थी हमारे पास, कौन कौन? एक वोल्टेज और एक करंट, और दोनों का मैक्सिमम मान होगा। यहाँ दो राशि हम मान लेते हैं, देखिए एक वोल्टेज होगा और एक क्या है? करंट है। रेड वाले को हम वोल्टेज मान लेते हैं और आई वाले को, हरे वाले को करंट मान लेते हैं। इसको लिख देते हैं आई, इसको लिख देते हैं पी। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, समझिए इसमें कि मैक्सिमम मान दोनों का क्या है। तो मैक्सिमम क्या होगा कि जब हम माप एक साइकिल में जब पूरा कर रहे हो उसमें जब भी उसका सबसे अधिक मान जो होगा वो क्या कहलाएगा? मैक्सिमम मान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैक्सिमम मान कहलाएगा, मैक्सिमम मान कहलाएगा। अर्थात अगर हम कहें ये फिगर है, अगर करंट जा रहा है तो ये जो होगा क्या उसका मैक्सिमम मान होगा, ये क्या है? मैक्सिमम मान है। तो इसको हम किससे व्यक्त करते हैं? अगर वोल्टेज है तो भी मैक्स, और करंट है तो इसको बोलते हैं आई मैक्स। ऐसे लिखते हैं हम लोग शॉर्ट में, इंडिकेट करते हैं। अगर मान लीजिए इस तरह से कोई भी अगर शब्द लिखा है भी और उसके नीचे में एम एक्स, यानी वोल्टेज मैक्सिमम, यानी उस परिपथ में उसका अधिकतम मान को दर्शा रहा है वोल्टेज का, और आई मैक्स लिखा गया तो उस परिपथ में उसका अधिकतम मान दर्शा रहा है करंट का। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। अब आता है तात्कालिक मान। तो तत्कालिक मान कब कहेंगे? तो तत्कालिक मान जिस क्षण हम मापेंगे, अब देखिए तत्कालिक मान प्रत्येक क्षण बदलता है, जो कि परिभाषा ही है। प्रतिवर्ती धारा क्या करती है? अपनी प्रत्येक क्षण अपना मान बदलता है। यानी अगर इस समय नापते हैं हम तो यहाँ कुछ मिला, फिर यहाँ मापते हैं तो कुछ और मिला, और यहाँ मिला, मतलब जिस क्षण हम उसकी माप लेते हैं वह माप क्या कहलाती है? तत्कालिक मान कहलाती है, उसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो तत्कालिक मान कहलाता है। अब देखिए तात्कालिक मान का एक समीकरण होता है हमारे पास, उस चीज को समझ लीजिए। किसी भी तात्कालिक मान का अगर करंट है तो उसका मान होगा आई मैक्स साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी क्या होगा? तात्कालिक मान। उसी तरह वोल्टेज है तो वोल्टेज तत्कालिक मान को दर्शाते हैं हम लोग वी मैक्स साइन ओमेगा टी। ये तत्कालिक मान का समीकरण होता है, इस समीकरण से ही वो क्वेश्चन था। फिर पीछे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं वहाँ पर। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है अभी, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा समीकरण तत्कालिक मान को दर्शाता है। तो क्या होगा? आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। उसी तरह वोल्टेज के लिए हम ई एम एफ के रूप में दर्शाते हैं, ई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। यहाँ आई मैक्सिमम क्या है? उस
परिपथ में धारा का मान अधिकतम या वोल्टेज का मान अधिकतम कुछ भी हम रख सकते हैं। और इस पर क्वेश्चन कई पूछ देता है एग्जाम में, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए पूछ दिया आपसे, क्या पूछ देगा देखिए, छोटा सा क्वेश्चन। अब लिख देगा 800 साइन ओमेगा टी, ठीक है, आई इक्वल टू 800 साइन ओमेगा टी, समीकरण है किसी ऐसी परिपथ का या मान है तत्कालिक मान का, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू का मान क्या होगा। अब चूंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू समीकरण में 800 लिखा हुआ है, समीकरण क्या था हमारा आई मैक्स था, और आई मैक्स हो जाएगा क्या लिखा हुआ है 800 लिखा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 800 हो जाएगा, बहुत सिंपल रूप से। उसी तरह आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए इसमें फ्रीक्वेंसी का मान कितना होगा, तो चूंकि फ्रीक्वेंसी का मान से उसको ही मतलब नहीं है हमको, सिर्फ इससे मतलब है साइन ओमेगा टी, और ओमेगा मतलब होता है 2πf, आगे हम लोग देखेंगे, तो सिर्फ इसी से मालूम हो जाएगा एफ का वैल्यू, ठीक है, एफ बराबर क्या हो जाएगा 1/2π, और इसको हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, तब हम यहाँ आते हैं आपको नए टर्म की ओर। अब देखिए ये हम जान गए कि करंट के तात्कालिक मान को हम दर्शाते हैं किससे, दो फॉर्मूला हमारे पास मिला, वी मैक्स साइन ओमेगा टी और आई मैक्स ओमेगा टी। अब इसमें क्या हुआ, जब दो राशियां हैं तो दोनों जरूरी नहीं है कि एक साथ पहुंचे, दोनों कुछ अंतराल पर भी पहुंच सकती है और दोनों डिफरेंस ही पहुंच सकती है। अब देखिए एक राशि ए हो गई, दूसरी राशि को हम दूसरे कलर से व्यक्त करते हैं, ये दोनों एक साथ शुरू हो रही है और एक साथ पहुंच रही है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति को जब दो राशि जो प्रति राशि धारा तथा वोल्टेज साथ साथ चलती हुई एक साथ अपने शिखर मान पर तथा एक साथ अपने अंतिम बिंदु पर पहुंचती है, वो दोनों राशियां क्या कहलाती है, इन फेज कहलाती है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा इन फेज क्या होता है, या इस टाइप का दे देगा सिम आपको फिगर, पूछेगा कि ये कौन सा क्या है, इन फेज है कि आउट फेज है कि लीडिंग है कि लैगिंग है। तो क्या कहेंगे हम, जब दो राशियां एक साथ चलते चलते एक साथ अपने शिखर बिंदु पर पहुंचती है तो क्या कहलाती है, इन फेज कहलाती है, और इन फेज का ये आपका सिंबल है, तो हो जाएगा ग्राफ, समझ गए होंगे। और जब इन फेज होगा तो इन फेज के में दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल होगा, तो 0° का एंगल होगा, इसलिए कि दोनों साथ पहुंचती है तो कोई एंगल होगा नहीं, और एंगल नहीं होगा तो 0। आपसे क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन यहाँ बनता है, इन फेज क्या है, जब दो राशियां साथ साथ चलती है और साथ साथ अपने शिखर बिंदु पर पहुंचती है तो वो राशियां क्या कहलाती है, इन फेज कहलाती है। इन फेज का इस पूछ देगा आपको ग्राफ, ऐसा आप देखें ध्यान रखेंगे दोनों साथ साथ है एक साथ चल रही है, फिर पूछ देगा आपसे कि इन फेज में दो इन फेज क्वांटिटी में कितने डिग्री का एंगल होता है, तो 0° का एंगल होता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, अब आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज क्या होता है, तो जब दो राशि, एक राशि ये हो गई और दूसरी राशि ये हो गई, देखिए दोनों में डिफरेंस है, एक यहां पहुंच रही है तो एक कुछ देर बाद पहुंच रही है, जब ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या कहलाती है, ये राशियां क्या कहलाएगी, ये राशियां आउट ऑफ फेज कहलाएगी, यानी दोनों के बीच कुछ ना कुछ क्या होगा, एंगल होगा। और कितना एंगल होगा ये आगे डिपेंड करेगा, उसको हम क्या नाम देंगे,
ये बताते, ये जानेंगे हम लोग, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है तो पहले ये जाने कि इन फेज क्या है। तो इन फेज में हमने देखा कि दोनों राशियाँ क्या करती है, साथ साथ पहुँच रही है, जबकि आउट ऑफ फेज में क्या होता है, दोनों साथ साथ नहीं पहुँचती है। अब दोनों साथ साथ नहीं पहुँचती है तो कोई एक आगे पहुँचता होगा, कोई एक पीछे पहुँचता होगा। तो जो आगे राशि आगे पहुँचेगी उसको कहेंगे लीडिंग राशि, और जो राशि पीछे पहुँचेगी उसको कहेंगे लैगिंग राशि। लेकिन अब ये सवाल उठता है आपके सामने कि किससे हम तुलना करेंगे। तो करेंट को पहली राशि माना गया है प्रतिति धारा में, प्रतिति अल्टरनेटिंग परिपथ में, तो करेंट से हम तुलना करेंगे। अगर करेंट हमारा आगे है तो उसको बोलेंगे लीडिंग, करेंट हमारा पीछे है तो उसको बोलेंगे लैगिंग। चलिए हम आगे देखते हैं एक एक टर्म को। पहले इतना समझिए इन फेज क्या है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इन फेज में दोनों के बीच में एंगल जीरो होगा, यानी दोनों साथ साथ पहुँचेगा। और आउट फेज में क्या होगा, आउट फेज में दोनों साथ साथ नहीं पहुँचेगा, पहला नंबर। और साथ साथ नहीं पहुँचेगा तो कौन आगे पहुँचेगा, कौन पीछे पहुँचेगा, उस पर हम निर्भर करेगा हमारा। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है आपको कि आउट फेज में अगर है तो अगर दोनों राशियों के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस है तो क्या कहेंगे। देखिए 90 डिग्री का डिफरेंस है तो उसे कहेंगे हम लोग क्वाड्रेचर राशि। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेचर। अगर 180 डिग्री का डिफरेंस है तो क्या करेंगे, कहेंगे उसको एंटी फेज। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर दो आउट ऑफ फेज में दो राशियों के बीच 90 डिग्री का अंतर है तो राशियाँ क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, क्वाड्रेचर कहलाती है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए आपसे कि दो आउट ऑफ फेज में दो राशियों के बीच, यानी वोल्टेज या करंट के बीच, कुछ भी पूछे, दो राशि या वोल्टेज या करंट एक ही बात है, तो क्या कहलाती है, एंटी फेज कहलाती है। समझ गए होंगे। अब देखिए लीडिंग किसे कहते हैं, तो लीडिंग राशि अर्थात लीडिंग मतलब क्या, आगे चल रहा है, जो आगे चल रहा है वो क्या कहलाएगा, लीडिंग राशि कहलाएगा। जो पीछे चल रहा है वो क्या कहलाएगा, लैगिंग राशि कहलाएगा। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि करंट को यानी धारा को हम पहली राशि मानते हैं और वोल्टेज को दूसरी राशि मानते हैं, तो इससे हम तुलना करेंगे। अगर हम क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अब इसमें कुछ समीकरण भी पूछा जाता है आपसे, उसको ध्यान दीजिए, हम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आपको। अगर आपसे ये कहा जाए कि आई इक्वल टू साइन ओमेगा टी और भी इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस 30, ठीक है। अब देखिए ये है क्या, जीरो रेफरेंस माना गया है हमको। अब इसका समीकरण क्या होगा, क्वेश्चन हमसे पूछ दिया जाए इस टाइप का कि आई इजकल टू साइन ओमेगा टी है और भी इजकल टू साइन ओमेगा टी माइनस 30 है, तो इसका कौन लीडिंग है, कौन लैगिंग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा हमने कहा आपको कि ये क्या होगा, हमारा करंट से हम तुलना करेंगे। करंट को हम पहली राशि माने हैं, तो करंट इसमें क्या कर रहा है, वोल्टेज क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस 30 है, यानी पीछे जा रहा है वोल्टेज। वोल्टेज क्या जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो इस स्थिति को कहेंगे लीडिंग है। करंट क्या कर रहा है, यहाँ लीड कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, हमेशा लीड कर रहा है आपको यहाँ पर। तो करंट जब लीड करता है तो जब भी अब इसको ग्राफ के रूप में भी पूछ सकता है आपसे, इसी चीज को ग्राफ से पूछ देगा तो क्या ग्राफ इसका बनेगा, तो देख लीजिए। एक हम इसको जीरो रेफरेंस मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, जब भी इसको हम लीडिंग या लैगिंग दर्शाएंगे तो एंटी क्लॉक वाइज दर्शाएंगे। अब देखिए क्लॉक कैसे घूमता है आपका, ऐसे घूमता है, और हमारा क्या होगा, उल्टा होगा, यानी लीडिंग राशि क्या होगा, हमेशा एंटी क्लॉक वाइज होगा लैगिंग राशि के। अब क्या होगा, ये देखिए ये वोल्टेज है, ये क्या होगा, करेंट होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 30 डिग्री क्या कर रहा है, करेंट लीड कर रहा है, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि वोल्टेज लैग कर रहा है, लेकिन जनरली हम जब तुलना करते हैं तो करंट से करते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, फिर से मैं छोटा सा वीडियो में डाल दूंगा उस सेक्शन का। तो ये समझ गए होंगे लीडिंग राशि क्या है।
जो राशि आगे चलेगी वो क्या कहलाएगी, लीडिंग कहलाएगी और करंट से तुलना किया जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, अगला टर्म है हमारे पास औसत मान। औसत मान, तो औसत मान क्या होता है, आप देखिए आपके साथ एक चीज अब यहां समझिए। जब हम ये ग्राफ देख रहे थे इसमें क्या देख रहे थे कि प्रत्येक क्षण क्या हो रहा है, मान हमारा बदल रहा है, ठीक है, प्रत्येक क्षण मान बदल रहा है। अगर हम पूरी अब देखिए ये क्या है, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, ए है नेगेटिव एम्पलीट्यूड। तो अगर एक साइकिल का अगर हम औसत मान देखें तो क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। क्यों होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ कुछ भी आया हो फिर यहाँ क्या होगा, उतना ही नेगेटिव हो जाएगा। तो मान लीजिए कि 10 आया हमारा और माइनस 10, तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एक कंप्लीट साइकिल का औसत मान कितना होता है, तो शून्य होता है। लेकिन अगर आधे साइकिल का मान अगर पूछे हम तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, तो उसको कैसे काउंट करेंगे, जितनी बार हम प्रेक्षण लेंगे सबका औसत हम निकाल देंगे, ठीक है। जितनी बार हम प्रेक्षण लेंगे तो उतना क्या होगा, औसत हम निकालेंगे, तो वही हमारा क्या होगा, औसत मान कहलाएगा। और औसत मान को हम शॉर्ट में आई ए भी ई से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। शॉर्ट में क्या करते हैं, आई ए भी से व्यक्त करते हैं। और वोल्टेज का औसत मान अगर लिखना हो तो वी ए वी से व्यक्त करते हैं। आई बात समझ में है सबको। अच्छा अब देखिए, अब एक फार्मूला आपको याद रखना होगा यहाँ पर कि एवरेज वैल्यू से कई क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो वो किस ढंग से पूछे जाएंगे और उसमें क्या हमारा याद करना है। अब देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको, एक देखिए, एवरेज वैल्यू बराबर आई मैक्स, और मैक्स को क्या बोले थे हम लोग, अधिकतम मान, इनटू टू अपॉन पाई, ठीक है, टू अपॉन पाई। अब क्या होगा, यही हल वोल्टेज एवरेज का भी होगा, वी मैक्स इनटू टू अपॉन पाई, दोनों एक ही फॉर्मूला है, सिर्फ अंतर है हमारा वोल्टेज और करंट का, एक करंट का वैल्यू बता रहा है एक वोल्टेज का वैल्यू बता रहा है, दोनों में एक ही बात है। दोनों का अगर करंट का वैल्यू पूछे तो ये फार्मूला भी याद रखना है आपको। अब इसी से फार्मूला ये निकलता है कि अगर हम इसका वैल्यू पुट कर दें, आई मैक्स का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं अभी हमारे पास है, और जितना होगा उतना वैल्यू पुट किया जाएगा, दो अपॉन पाई, दो अपॉन पाई को अगर भाग देंगे हम तो आएगा हमारा 0.637 या 0.636 भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू क्या हो जाता है, आई मैक्स इंटू, अगर इसको हल कर दिए तो क्या हो जाएगा, 0.636 हो जाएगा या 0.637 आएगा। तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाता है, पॉइंट पॉइंट 367 का क्या हो जाता है, गुणज हो जाता है, ठीक है।
ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आगे न्यूमेरिकल भी हम देख लेते हैं इसमें। देखिए न्यूमेरिकल है आपके पास, न्यूमेरिकल है कि किसी ऐसी परिपथ में शिखर मान यानी मैक्सिमम मान कितना है, 200 वोल्ट है, तो उसका औसत मान क्या होगा। तो औसत मान हमने जाना, दोनों तरफ से सॉल्व करेंगे कि आंसर आएगा, हमने क्या जाना था फॉर्मूला कि आई मैक्स इंटू 2/π। तो अगर हम 200 है तो 200 इंटू 200 400 हो जाएगा, 400/3.14 लिखें, या सीधे हम लिखें अगर हमको याद है कि हम इसको हल करके रखे थे 2/3.14, तो यहाँ 200 ही बचेगा, तो 200 × 0.637, तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 127। तो हम दोनों तरह से बना सकते हैं। चलिए अब आगे देख लीजिए, आगे क्या है कि यदि 5 प्रेक्षण लिया गया किसी हाफ साइकिल का, अगर हम बात करते हैं हाफ साइकिल का, तो क्या होता है, हम हाफ साइकिल में 5 प्रेक्षण लिए, पहला प्रेक्षण क्या था हमारा 2, 4, इसके बाद क्या था 4 था, फिर 6 था, फिर 8 था और 10 था। देखिए यहाँ लिख दिए, अब इसका एवरेज मान क्या होगा, तो एवरेज मान क्या होगा, जैसे मैथ में हम निकालते हैं सबका जोड़कर, जितने बार परीक्षण लिए सबका भाग दे दिए, तो यह आ जाएगा 6। तो ये क्या हो गया हमारा, एवरेज मान हो गया किस चीज़ का, आधा साइकिल का, पूरा साइकिल का क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी समझ गए आप। फिर आता है हमारे पास वर्गमूल माध्यमान, आरएमएस मान। तो आरएमएस मान क्या होता है, तो आरएमएस मान किसी एसी का आरएमएस मान वह कहलाता है जितना वो डीसी का उष्मा ऊर्जा उत्पन्न कर सके, यानी किसी एसी का आरएमएस मान वह मान है जो एसी का उष्मीय मान डीसी के समतुल्य हो, अर्थात जितने समय में एसी उत्पन्न करता है उतने ही समय में कितना डीसी उत्पन्न करेगा वहीं उसका आरएमएस मान कहलाता है। और आरएमएस मान जिस तरह से हम लोग एवरेज मान देखे थे उसी तरह से हम लोग ये जान लीजिए कि वी आरएमएस या आई आरएमएस से उसको शॉर्ट में व्यक्त करते हैं, और इसका आई एवरेज है तो मैक्सिमम मान बटे √2। ठीक है, अब देखिए अगर वी मैक्स को हटा दें तो 1 बचेगा, 1/√2, कुछ नहीं है तो 1 है, अगर इसको सॉल्व करेंगे हम तो आएगा 0.707। तो इस तरह आरएमएस मान जो होता है वो किसका गुणा जो होता है, 0.707 का। तो ये भी क्वेश्चन अगर पूछता है आपसे एग्जाम में तो बना सकते हैं आप लोग, आगे हम लोग देखें न्यूमेरिकल। दूसरी बात आ गई आपके पास, दूसरी बात ये भी आ गई, दूसरी बात ये भी आ गई कि आरएमएस मान का अगर प्रेक्षण लिया जाए तो क्या होता है, तो इसको इसका नाम ही है रूट स्क्वायर मीन वैल्यू, यानी I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर
प्लस आई थ्री का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी जितने परीक्षण लेंगे सभी के वर्ग का वर्गमूल इसका क्या होता है, आरवीएस मान का फॉर्मूला होता है। तो दो फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अब देखिए न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाएगा आपको। क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा कि यदि धारा का आरएमएस मान क्या होगा यदि अधिकतम मान 200 एम्पियर है, तो वही हो जाएगा 0.707 इंटू 200। हल करेंगे कितना हो जाएगा 141.7। देखिए यहाँ आया है। अगर ऐसा नहीं हल करना चाहते हैं तो हम वहीं हल कर देंगे जो रूट टू होता है, यानी क्या लिख देंगे हम लोग 200 बटे रूट टू का मान होता है 1.414। इसको भी हल करके देख लीजिएगा आएगा कितना, उतना ही आएगा। तो कैसे भी हल करें, ये आसान करने के लिए हम लोग याद कर लगते हैं कि आरएमएस मान जो होता है 0.707 का गुणा जो होता है मैक्सिमम मान के। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब आता है फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर क्या है, तो फॉर्म फैक्टर आपका क्या है, आरवीएस मान तथा औसत मान का अनुपात है। इसको केएफ से दर्शाते हैं, केएफ से दर्शाते हैं, और इसका हमने आपको फॉर्मूला भी ट्रिक भी बताया है। ट्रिक क्या होता है, फ्रा, इसका अलग से मैं एक वीडियो बनाया हूँ उसको देख लीजिएगा, अच्छी तरह समझ में आएगा। और इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा सेंसोरियल में 1.11। कैसे हो जाएगा, तो देखिए क्योंकि हम जानते हैं कि आई मैक्स आर एम एस मान क्या होता है, आई मैक्स इंटू 0.707, और औसत मान क्या होता है, आई मैक्स इंटू 0.637। तो बच क्या गया हमारा 0.707 और बटे 637। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 0.11। इस तरह आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, चाहे पीडीएफ भी उपलब्ध होगा, जो जरूरत होगा उसको कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। आप वीडियो देखकर समझ सकते हैं अच्छे से। आगे देखिए ये लीडिंग लैगिंग वाला है, फिर से देख लीजिए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ वोल्टेज है -30 और करंट है +30, तो क्या इसे दिखाएंगे हम, यानी करंट क्या हो रहा है, लीड कर रहा है। करंट कितना लीड कर रहा है, 30 प्लस में और 30 माइनस में, तो दोनों के बीच कितना डिफरेंस हो गया 60। तो हमने कहा कि जब भी हम जो लीडिंग होगा उसको दिखाएंगे एंटी क्लॉक में, किसके एंटी क्लॉक, लैगिंग के। तो यहाँ हो गया वोल्टेज और यहाँ हो गया करंट, जीरो डिफरेंस है, तो 30 इधर से 30 इधर से, तो हो जाएगा क्या 60 आंसर हो जाएगा। अब देखिए पीक फैक्टर का भी मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ देख लीजिएगा, इसका भी क्या है पैसे पमर पमर, यानी पी मतलब पैसा, पी मतलब पीक फैक्टर, केपी से इसको दर्शाते हैं। पीक फैक्टर क्या है, मैक्सिमम मान बटे आरएमएस मान का डिफरेंस है, अनुपात है। इसका मान कितना होता है 41.4। कैसे होता है, आईमैक्स आईमैक्स कट गया, बच क्या क्या गया हमारे पास 1.0707। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 1.41। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आवर्तकाल क्या होता है, तो पहले भी मैंने डिस्कस किया है कि आवर्तकाल क्या है, एक साइकिल पूरा करने में जितना समय लगता है वह क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। और आवर्तकाल और फ्रीक्वेंसी का संबंध क्या होता है, एंटी प्रोपोर्शनल होता है, टी इक्वल टू 1/f, पीछे भी इस पर डिस्कस हुआ है।
आप देखिए, अब आता है इंडक्टर का। इंडक्टर क्या है? तो इंडक्टर यदि किसी तार को कुंडली के रूप में लपेट दिया जाए और उसका एक नियत मान दे दिया जाए तो वह क्या कहलाता है? इंडक्टर कहलाता है। और उसे एल से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। और यह क्या कहता है? ए भी धारा बहने का विरोध करता है। यह विरोध क्या कहलाता है? इंडक्टेंस कहलाता है। जिस तरह से डीसी परिपथ में प्रतिरोध काम करता है, उसी तरह एसी परिपथ में क्या करता है? इंडक्टर काम करता है। और जिस तरह से हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, उसी तरह इंडक्टर को भी जोड़ते हैं। जैसे अगर मान लीजिए दे दिया तो क्या हो जाएगा हमारा? सीरीज में L1, L2, L3 और पैरेलल में 1/L1 + 1/L2 + 1/L3। तो सेम काम वही है, ये एसी में है और रेजिस्टेंस क्या था? सिर्फ डीसी में था। अब इसी आधार पर आपको सर्किट का बंटवारा हुआ यहाँ पर कि सर्किट कितने तरह का होता है, तो देख लीजिए आगे। पहला सर्किट हमारे पास आएगा शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। क्या आया? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। जब किसी परिपथ में केवल प्रतिरोध हो और उसे क्या कहते हैं? हम शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कहते हैं। अब प्रतिरोध कैसा होता है? डीसी में भी प्रतिरोध होता है और यहाँ भी एसी है, लेकिन क्या है? सिर्फ प्रतिरोध लगा हुआ है। तो ये भी काम कैसा करेगा? डीसी के अनुसार काम करेगा, डीसी की तरह काम करेगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में करेंट और वोल्टेज होता है इन फेज में, आउट फेज में, लीडिंग में, लैगिंग में। तो क्या था रेजिस्टेंस जब था हमारा डीसी में, क्या होता था? कोई एंगल था करंट और वोल्टेज के बीच में, हम देखे थे? नहीं था। तो यहाँ भी क्या होगा? इन फेज में आंसर होगा, यानी कोई एंगल नहीं होगा। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि रेजिस्टिव परिपथ में, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में बताइए दोनों राशियाँ कैसी होती है, तो इन फेज होती है। या क्वेश्चन पूछे कि दोनों के बीच में एंगल क्या होता है, तो क्या होता है? जीरो होता है, कोई एंगल नहीं होता है। या क्वेश्चन पूछे आपसे कि I बराबर क्या होता है, तो जो ओम का फॉर्मूला है वही होता है, V बटे R होता है। या क्वेश्चन पूछे पावर बराबर क्या होता है, तो P बराबर VI होता है। जबकि AC रहेगा, अगर ये दूसरा परिपथ रहेगा तो उसमें एंगल होगा, तो एंगल को व्यक्त करते हैं cos phi से, तो VI cos phi हो जाएगा। लेकिन यहाँ cos phi नहीं होगा क्योंकि यह है AC लेकिन व्यवहार कर रहा है DC की तरह। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, आ गया होगा। अब देखिए इसका ये सर्किट भी है AC, लेकिन सिर्फ क्या लगा है इसमें? रेजिस्टेंस लगा है। तो तीन क्वेश्चन याद रखिएगा। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में क्या होगा? दोनों राशि इन फेज में होगा, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल जीरो होगा और पावर फैक्टर का मान क्या होगा? अधिकतम होगा, 1 होगा। क्योंकि एंगल का मान जीरो है, एंगल का मान जीरो है, तो पावर फैक्टर जो होता है वो कॉस फाई ही होता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। और कॉस का मान अधिकतम कब होगा? AC का मान कितने, किस पर निर्भर करता है? जीरो से एक के बीच में निर्भर करता है। कॉस फाई होता है ना, जीरो से एक के बीच में निर्भर करता है। तो कॉस जीरो बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो पावर फैक्टर का मान क्या होगा? सबसे अधिकतम होगा। तो अभी कुछ तीन क्वेश्चन याद रखना है आपको यहाँ से। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में दोनों राशि इन फेज में, अर्थात एंगल जीरो और पावर फैक्टर का मान 1। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, ये आ गया आपका शुद्ध प्रारंभिक परिपथ, यानी प्योर इंडक्टिव सर्किट। ऐसा ऐसी परिपथ जिसमें केवल इंडक्टेंस जुड़ा हो उसे क्या कहते हैं? शुद्ध इंडक्टिव परिपथ कहते हैं। और इसमें क्या होगा? धारा पिछड़ेगा, ठीक है। तीन देखिए यहाँ क्या मैं ट्रिक बताता हूँ आपको याद रखना है। ये इससे आप कैसे पकड़ेंगे कि कहाँ लीडिंग होगा कहाँ लैगिंग होगा? तो जो AC सर्किट में क्या करता है कि इंडक्टर
करंट को क्या करता है, रोकता है, और कैपेसिटर वोल्टेज को रोकता है, वोल्टेज को ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करता है। तो बस इसी से हम लोग पकड़ लेंगे, इंडक्टर है तो करंट को क्या करेगा, रोकेगा, तो रोकेगा तो आगे कौन जाएगा, वोल्टेज जाएगा। यानी इस स्थिति को क्या करेंगे हम लोग, लैगिंग कहते हैं, करंट से तुलना करते हैं। करंट क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है, इसको कहेंगे क्या, इस परिपथ में विद्युत धारा क्या करता है, 90 डिग्री पिछड़ जाता है, लैगिंग होता है। बस इतना ही याद रखना है आपको कि ऐसी परिपथ में करंट जो होगा पीछे जाएगा, किससे, वोल्टेज से, कितना, 90 डिग्री। अगर आपको इसको ग्राफ बनाने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे, हमने कहा था कि जो भी राशियां आगे जाएगी उसको किस में व्यक्त करते हैं, एंटी क्लॉक व्यक्त करते हैं, किसके, पीछे वाले से। तो करंट यहाँ हो गया, नहीं 90 हो गया ना, एक मिनट, ये जीरो रेफरेंस है। तो क्या हो जाएगा, इंडक्टिव परिपथ में वोल्टेज आगे जाएगा, यानी भी यहाँ है तो करंट क्या है, यहाँ है, मतलब जो पीछे है उसके एंटी क्लॉक ये होगा। तो ये हो गया भी लीडिंग में, और लैगिंग में क्या हो गया, करंट हो गया। तो ये बन जाएगा आपका इसका ग्राफ। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि शून्य इंडक्टिव परिपथ में वोल्टेज और करंट के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा, तो इस टाइप का बनेगा, फेजर डायग्राम इसको बोलते हैं, फेजर डायग्राम इस टाइप का बनेगा, ठीक है, 90 डिग्री पीछे चलेगा। आगे देखिए, अगला है इंडक्टिव रिएक्टेंस किसे कहते हैं। तो अब देखिए, एसी परिपथ में हम लोग अभी देख रहे थे कि भाई इंडक्टर है, और इंडक्टर का जो विरोध करने का गुण है, वही गुण क्या कहलाता है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस कहलाता है, जिसे हम शॉर्ट में एक्सेल से व्यक्त करते हैं, और एक्सेल इक्वल टू होता है, देखिए हमें लिखा हूँ, 2πfL। अब यहाँ क्वेश्चन कहीं पूछा जाएगा इंडक्टिव रूप से, डायरेक्ट रूप से, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या आंसर देना है आपको। तो एक्सेल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, यानी जो इंडक्टर का इंडक्टिव परिपथ में विरोध करने का गुण है, वही गुण क्या कहलाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है, जिसे शॉर्ट में हम एक्सेल कहते हैं, लिखते हैं, और एक्सेल बराबर 2πfL। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और एल क्या है, इंडक्टर का मान है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान क्या होगा यदि फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ा दिया जाए। तो देखिए क्या है, प्रोपोर्शनल है, अगर फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा तो करंट का, इंडक्टिव परिपथ का भी, रिएक्टेंस का भी मान बढ़ जाएगा, ठीक है। या 2πf बराबर ओमेगा होता है, तो ये भी लिख सकते हैं दूसरा, कि एक्सेल बराबर ओमेगा एल, और इंडक्टर के मान बढ़ेगा तभी क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान निर्भर करता है निम्न में से किस पर, तो किस पर, किस पर निर्भर करेगा, एक तो फ्रीक्वेंसी पर करेगा, और एक इंडक्टर के मान पर निर्भर करेगा। इंडक्टर का मान अगर बढ़ेगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी मान बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी का मान घटेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी मान घटेगा, अगर इंडक्टर का मान घटेगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी मान घटेगा, क्योंकि दोनों में संबंध क्या है, डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल क्या है, समानुपाती का है। समानुपाती मतलब समझते हैं आप। अब देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछेगा इंडक्टिव परिपथ में, इंडक्टिव परिपथ में बताइए करंट का मान, धारा का फॉर्मूला क्या होता है, तो धारा I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे XL। XL इसलिए हो जाएगा, R की जगह यहाँ क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, जो काम DC में R करता है, रेजिस्टेंस करता है, वहाँ यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस कर रहा है, इसलिए यहाँ R के बदले लिखा जाता है क्या, XL। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको, फॉर्मूला वही है, क्योंकि यहाँ मौजूद वही है इसलिए यहाँ वो काम करेगा। और क्वेश्चन एक पूछेगा आपसे कि इसमें पावर फैक्टर का मान क्या होता है, तो जीरो होता है। पावर फैक्टर मान इसलिए जीरो होता है कि दोनों के बीच में फेज वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल कितना था, 90 डिग्री, और cos 90 का मान कितना होता है, जीरो, ठीक है।
तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा आपसे कि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में पावर फैक्टर का मान जीरो दोनों राशियों के बीच में क्या होगा, करंट क्या करेगा लाइक करेगा, वोल्टेज क्या करेगा लीड करेगा, याद हो गया होगा। और इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान किस पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पर और इंडक्टर के मान पर। आगे बढ़ते हैं, अब उसी तरह कैपेसिटर है, तो कैपेसिटेंस जिसको बोलते हैं, कैपेसिटर को जो विरोध करने की क्षमता रखता है उसको क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहता है। ऐसी परिपथ का वह गुण जिसमें वोल्टेज का मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है वो क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस कहलाता है, अधर्ता कहलाता है, इसे सिक्स व्यक्त करते हैं। और इसको भी उल्टा जोड़ते हैं, अगर ये कहा जाए कि सीरीज में जोड़ना है कैपेसिटर को तो वन बटे सी वन सी टू सी थ्री जोड़ेंगे, अगर पैरेलल में जोड़ना होगा तो ये होता है रेजिस्टेंस और इंडक्टर के उल्टा इसमें जोड़ते हैं, ये आप जानते भी होंगे। चलिए अब देखिए, जो कैपेसिटर के कारण इंडक्टिव रेजिस्टेंस में, अभी हम इंडक्टिव रेजिस्टेंस पढ़े थे, अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस पढ़ेंगे। जिस तरह से कैपेसिटिव सर्किट है, शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट, जिसमें अगर वोल्टेज का विरोध होता है, धारा का विरोध होता है, तो किस कारण होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के कारण होता है। और इसको व्यक्त करते हैं हम एक्सी से, और एक्सी बराबर क्या होता है, वन बटे ओमेगा सी, और ओमेगा मतलब टू पाई एफ सी। अब यहाँ क्वेश्चन जस्ट उल्टा हो गया, अगर यहाँ क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान किस पर निर्भर करता है, तो होगा तो वहीं फ्रीक्वेंसी पर और कैपेसिटेंस के मान पर, लेकिन कौन बढ़ेगा कौन घटेगा दोनों में संबंध क्या है, व्युत्क्रमानुपाती का है। अर्थात क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि यदि फ्रीक्वेंसी का मान आधा कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस का मान क्या होगा, देखिए उल्टा हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। कैपेसिटेंस का मान दोगुना कर दिया जाए तो इसका मान क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच व्युत्क्रमानुपाती का अनुपात है, जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा हम जवाब देंगे। और यहाँ भी करंट का मान पूछेगा, तो करंट का मान हम जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, V बाई R होता है, लेकिन यहाँ कैपेसिटेंस का प्रतिरोध है जिसको XC से व्यक्त करते हैं, इसलिए I का मान क्या हो जाएगा, V बटे XC, जो कि यहाँ लिखा गया है। तो V बटे XC इसलिए होगा कि यहाँ प्रतिरोध के बदले क्या काम कर रहा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस काम कर रहा है, इसलिए इसे कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, ऐसा परिपथ जिसमें केवल कैपेसिटर होता है उसे शुद्ध परिपथ परिपथ कहलाता है। और इसमें क्या होगा, वोल्टेज लैग करेगा, वोल्टेज जब लैग करेगा और इसमें पावर फैक्टर का मान क्या होगा, शून्य होगा, इस क्योंकि दोनों के बीच में क्या होता है 90 डिग्री का एंगल होता है, और इसका फेजर डायग्राम जो होगा वो इस टाइप का होगा। हमने कहा कि एंटी क्लॉक वाइज हमको क्या करना है, लीडिंग को लेना है, यानी यहाँ हमारा क्या हो गया, वोल्टेज वोल्टेज लाइक करेगा तो पीछे वोल्टेज है और यहाँ क्या है करंट है, दोनों के बीच में क्या है 90 डिग्री का एंगल है, और कॉस का मान 90 डिग्री हो गया तो पावर फैक्टर क्या हो गया, जीरो। तो शुद्ध कैपेसिटिव में भी जीरो, अशुद्ध इंडक्टिव में भी जीरो, और रेजिस्टिव में वन, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अब आता है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या कहलाता है, तो इम्पीडेंस देखिए क्या होता है, इसको जेड से व्यक्त करते हैं, इसका भी मात्रक ओम होता है और इन दोनों का भी मात्रक ओम होता है, ध्यान रखिएगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का भी मात्रक ओम और कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस का मात्रा भी ओम, यानी एक्सएल का भी मात्रक ओम और एक्सी का भी मात्रक ओम और जेड का भी मात्रक ओम। तो परिपथ में अगर अभी तक हम देखें कि सिर्फ रेजिस्टेंस ही परिपथ था तो वहाँ क्या था, सिर्फ प्रतिरोध था। कैपेसिटिव परिपथ देखें तो वहाँ सिर्फ कैपेसिटर था, और इंडक्टिव परिपथ देखें तो वहाँ सिर्फ इंडक्टर था, तीन तीनों का विरोध रहा था। लेकिन आगे क्या होगा कि एक साथ दो या तीन भी आएगा, तो तीनों को अवरोध को मिलाकर
कुल अवरोध बनता है जिसे इम्पीडेंस कहा जाता है, जिसे हम जेड से व्यक्त करते हैं। तो जेड क्या है यानी इम्पीडेंस क्या है, तो ऐसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह करने के लिए विद्यमान कुल अवरोध क्या कहलाता है, इम्पीडेंस कहलाता है, इसे हम जेड से व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक क्या है, ओम है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, अब आ गया हमारे पास आरएल सर्किट, आर और एल, इसका क्या कहते हैं, आरएल सर्किट मतलब, आर मतलब रेजिस्टेंस और एल मतलब इंडक्टेंस, यानी दोनों का सीरीज में बोलते हैं तो सीरीज आरएल सर्किट। सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, जब आप देखे होंगे फिगर ऐसे है, दोनों सीरीज में जुड़ा है आर और एल, यानी जिस परिपथ में आर और एल सीरीज में जुड़े हों वो क्या कहलाएगा, आर एल सीरीज सर्किट कहलाएगा, ठीक है। और इसमें इम्पीडेंस जो होगा जेड क्या होगा, उसका फॉर्मूला है, चूंकि इसमें क्या है, एक अवरोध आर है और एक अवरोध क्या है, एल है, तो ये फॉर्मूला होगा जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो याद रखना है आपको, बार बार पूछा जाएगा, इसमें न्यूमेरिकल भी आपको आएगा। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन आया, न्यूमेरिकल पूछा जाता है बार बार, इंपॉर्टेंट भी है। किसी आरएल परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या है, 5 ओम है, तथा इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान क्या है, 12 ओम है, तो प्रतिबाधा का मान क्या होगा, तो हम जानते हैं चूंकि जेड बराबर आरएल सर्किट में क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और आर का मान क्या है, 5 का स्क्वायर, तो 25 हो गया, और 12 का स्क्वायर हो गया 144, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 169, और इसको रूट घटाएंगे तो 13, आंसर हो गया, हो जाएगा 13। समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, आरसी सर्किट है, कौन सा सर्किट है हमारे पास, आरसी सीरीज। तो आरसी सीरीज में क्या होगा, आर और सी दोनों क्या है, कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं, इस परिपथ में प्रतिरोध तथा कैपेसिटर क्या होगा, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, और यहाँ कैपेसिटेंस क्या होगा, जेड का मान क्या होगा, तो दोनों वही होगा, जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर जिस तरह से वहाँ रेजिस्टेंस था, इंडक्टिव रिएक्टेंस था, तो वहाँ एक्स था, एक्सएल था, यहाँ एक्स ही हो जाएगा। अब यहाँ आ गया आरएलसी, तो आरएलसी क्या हो, इस परिपथ में क्या होता है, प्रतिरोध इंडक्टर तथा कैपेसिटर तीनों श्रेणी में जुड़े होते हैं, और यहाँ जेड बराबर क्या होता है, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर, और ये फॉर्मूला होता है एक्सएल, और ये माइनस नहीं है, ये डिफरेंस है, जो बड़ा होगा उसमें से वो घट जाएगा, ठीक है, और वहाँ इसका वैल्यू पुट हो जाएगा। देख लीजिए आगे, उदाहरण के लिए यहाँ क्वेश्चन है एक, इसको सॉल्व करते हैं। किसी ऐसी परिपथ में आर का मान 40 ओम, एक्सएल का मान 90 ओम तथा एक्सी का मान 60 ओम हो, तो इस परिपथ में प्रतिबाधा यानी जेड का मान क्या होगा, इम्पीडेंस का मान क्या होगा, तो आर स्क्वायर हम जोड़ लिए, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 30 स्क्वायर, दोनों को जोड़ लिए तो कितना, 2500 हो गया, और आंसर क्या हो जाएगा, 50 ओम। तो जो बड़ा रहेगा उसको घटा देंगे, और ये बड़ा रहता है तो इसको घटा देते हैं। अब आता है कंडीशन रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस किसे कहते हैं, रेजोनेंस किसे कहते हैं, रेजोनेंस किसे कहते हैं, तो रेजोनेंस जब आरएलसी सर्किट में एक्सएल यानी क्या कहा जाए, एक्सएल, एक्सएल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक्सी मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान क्या हो, बराबर हो, तो यह कंडीशन क्या कहलाता है, रेजोनेंस कहलाता है, अर्थात एक्सएल बराबर एक्सी, देख रहे हैं, एक्सएल बराबर एक्सी हो तो यह कंडीशन क्या कहलाएगा, रेजिडेंस का, रेजोनेंस कहलाएगा, और इसमें जेड का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। क्वेश्चन पूछेगा कि किस परिपथ में
चाहे किस कंडीशन में इम्पीडेंस का मान बहुत कम होता है, तो कब होगा? रेजोनेंस कंडीशन में। रेजोनेंस कंडीशन का मतलब कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी XL और XC, इंडक्टिव रिएक्टेंस XC, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL और कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC का मान क्या हो? बराबर हो। अर्थात Z बराबर जब XL माइनस XC करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो सी बचेगा क्या? आर स्क्वायर। ठीक है, आर आर स्क्वायर को जब हल करेंगे, रूट हटाएंगे तो आर बचेगा। एक क्वेश्चन और भी पूछता है जेड बराबर आर। ठीक है, रेजिडेंस कंडीशन में इम्पिडेंस किसके बराबर होगा? तो रेजिडेंस के बराबर होगा, सिर्फ आर के बराबर होगा। क्यों होगा? देखिए यहाँ सॉल्व किया गया है, समझ में आ गया होगा। इस पर क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है तो आप बना सकते हैं आसानी से। तो तीन चीज़ याद रखिएगा, रेजिडेंस कंडीशन किसे कहते हैं आएगा, तो रेजिडेंस कंडीशन में तीन टर्म याद रखना है सिर्फ आपको। पहला टर्म क्या है कि XL यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC के बराबर होता है, और इसका परिणाम ये होता है कि जेड का मान सबसे कम होता है। जेड मतलब इम्पीडेंस का मान सबसे कम होता है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इम्पीडेंस का मान सबसे कम किस अवस्था में होता है? तो रेजोनेंस कंडीशन में होता है। और किसके बराबर होता है? तो रेजिस्टेंस के बराबर होता है। इम्पीडेंस का मान क्या होगा? रेजिस्टेंस के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ एक आपको चार्ट है, इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ से एक आध क्वेश्चन हालांकि आप में नहीं पूछेगा, जेई वगैरह में पूछ देता है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा इम्पीडेंस रेजोनेंस कंडीशन में इम्पीडेंस का मान होगा, तो RLC सीरीज में क्या होगा? मिनिमम होगा। और RLC पैरेलल में क्या होगा? मैक्सिमम होगा। करेंट का मान क्या होगा? तो जस्ट उल्टा उल्टा होगा, क्योंकि क्या है, इम्पीडेंस विरोध है, तो विरोध कम होगा, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। और इफेक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? R के बराबर होता है, जबकि यहाँ L/CR के बराबर होता है। तो ये चार्ट याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए है नहीं, लेकिन चलिए अब आता है आपको शक्ति का। तो आभासी शक्ति किसे कहते हैं? तो AC परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के मानों के गुणनफल को आभासी शक्ति कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? P बराबर VI। और वास्तविक शक्ति किसे कहते हैं? तो जिसमें cos phi का मान आ जाए उसे क्या कहते हैं? हम वास्तविक शक्ति कहते हैं। इसका हम पावर ट्रायंगल से समझाते रहे आपको। देखिए पावर ट्रायंगल से समझा देते हैं। ये आपको हम एक ट्रायंगल है जिसे हम व्यक्त करते हैं। पहले इस ये ट्रायंगल समझ लीजिए, रेपिडेंस का ये ट्रायंगल समझ लीजिए। कॉस फाई का मान कहाँ से हम ज्ञात करते हैं? तो कॉस बराबर क्या होता है, लाल का पड़े होंगे, आधार बटे कर्ण। और आधार को हम व्यक्त करते हैं रेजिस्टेंस से, आर से, और कर्ण को जेड से, टोटल इम्पीडेंस से। क्योंकि जेड जो होता है क्या होता है, एक्स और आर का सदिशीय योग होता है। ठीक है, तो एक की याद रखिएगा अभी कि कॉस फाइव बराबर क्या होता है? R/Z। यहाँ से बस इतना ही याद रखना है आपको, कॉस फाइव R/Z मतलब रेजिस्टेंस बटा रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस का अनुपात होता है। और इसी से हम पावर एंगल निकालते हैं। तो एक पावर ट्रायंगल आता है, इसी के हिसाब से हम उसको डिफाइन करते हैं। ये पावर ट्रायंगल है, तो क्या होगा? जो आधार व्यक्त करता है वो जीरो डिफरेंस के अनुसार एक्टिव पावर, जिसका मात्रक क्या होता है? वाट होता है। और एक्टिव पावर को हम VI cos phi से व्यक्त करते हैं, यह किलोवाट इसका आंसर होता है, मात्रक होता है। रिएक्टिव पावर क्या होता है? तो रिएक्टिव पावर ये जो लंब है उसको हम व्यक्त करते हैं, इसको भी साइन फाई से व्यक्त किया जाता है। और इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट एम्पियर होता है। तो सिर्फ आपको यहीं पूछा जाएगा कि एक्टिव पावर का मात्रक क्या है, तो फार्मूला याद रखिएगा, एक्टिव पावर VI cos phi, और मात्रक क्या होगा? किलोवाट।
और रिएक्टिव पावर तो वी आई साइन फाई और मात्रक वोल्ट एम्पियर और रिएक्टिव पावर एफ्रियन पावर वी आई यानी वी ए इसका मान होता है वी ए या के वी ए तो यही याद रखना है। और इसको फिर हम कल नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे थ्री फेज सिस्टम में ज़्यादा डिफाइन हो पाएगा आपको पावर का। तो नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं और पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करिएगा शेयर करिएगा और कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आएगा आप उसको हल करिएगा और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार दो बार वीडियो देखिएगा ज़्यादा समझ में आएगा और बुक या पीडीएफ भी यहाँ से लेकर पढ़ सकते हैं ये दो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तब तक के लिए थैंक यू।